श्री हरिवंश श्री राधे राधे, मैं कृष्णप्रिया दासी, जय जगन्नाथ। तो जगन्नाथ रथ यात्रा आ चुका है। तो 2024 का रथ यात्रा है 7 जुलाई रविवार को, 7 जुलाई संडे को। तो आप सभी निकलना रथ यात्रा में, प्रभु के दर्शन करना और आनंद लेना। तो रथ यात्रा हम क्यों मनाते हैं और जगन्नाथ भगवान का जो स्वरूप है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा, उनका जो स्वरूप है वो किस लिए है, इस बारे में हमने ऑलरेडी लास्ट ईयर डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो देख लेना। ये वीडियो देखने के बाद ज़रूर से वो वीडियो भी देखना, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो इस वीडियो में हम क्या चर्चा करेंगे, इस वीडियो में हम जगन्नाथ रथ यात्रा के महत्व के बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि रथ यात्रा में हमें क्यों भाग लेना चाहिए, क्यों जाना चाहिए रथ यात्रा में, उससे क्या होता है और नहीं जाने से क्या होता है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। और उसके साथ साथ हम एक छोटी सी प्यारी सी एक सच्ची लीला जो है जगन्नाथ के एक बहुत बड़े भक्त के एक प्यारी सी लीला कथा सुनाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब ये वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए अब जगन्नाथ जी की एक भक्त की कथा सुनते हैं और उसके बाद हम जगन्नाथ रथ यात्रा की जो महत्व है उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करेंगे। कुछ सालों पहले की ये घटना है, जगन्नाथ पुरी का ही है। तो वो जगन्नाथ पुरी से 155 किलोमीटर, लगभग 155 किलोमीटर का जगह है जिसका नाम जाजपुर है। और वहाँ के रहने वाले हैं जगन्नाथ के बहुत बड़े भक्त मोहंती। वो एक दरिद्र ब्राह्मण थे, मतलब बहुत ही गरीब ब्राह्मण थे वो। और वो रोज़ाना उनको जो मिल जाता था वही वो खाते थे और वही वो भोग लगा के प्रसाद पाते थे और अपने स्त्री और अपने तीनों संतानों को पवाते थे। और वो कुछ भी बचाते नहीं थे, मतलब कि थोड़ा सा बचत कर लूँ ये नहीं सोचते कि कल के लिए थोड़ा सा रख लूँ, ऐसा नहीं। उनको रोज़ जो मिलता था वही रोज़ पाते थे, बस थोड़ा सा ही पाते थे, उसी में वो संतुष्ट रहते थे। वो जगन्नाथ जी को अपना सखा मानते थे, अपना फ्रेंड मानते थे, बहुत ज़्यादा प्रेम करते थे वो जगन्नाथ जी को। और उनके ऊपर ही वो पूरा डिपेंडेंट, पूर्ण समर्पण जो कहते हैं ना, ये पूर्ण समर्पित थे जगन्नाथ जी के तरफ। इसलिए वो ये नहीं सोचते थे कि कल क्या खाऊंगा मैं या फिर क्या होगा। उनका पूरा भरोसा था कि मेरे सखा जगन्नाथ हैं, वो कुछ ना कुछ तो व्यवस्था कर ही देंगे हमेशा। और फिर एक बार ऐसा हुआ कि वो जहाँ पे रहते थे जाजपुर, वहाँ पे दुर्भिक्ष छा गया, मतलब बहुत ज़्यादा महामारी आ गया कि किसी के पास खुद के खाने के लिए भी कुछ नहीं था। तो वो मोहंती जी को क्या देते, फिर भी वो जब गए निकले लोगों से थोड़ा सा कुछ लेने के लिए, तो लोग उनको कुछ दे नहीं पाए क्योंकि उन्हीं के पास कुछ नहीं था खाने के लिए, इतना ज़्यादा महामारी पड़ गया था। तो मोहंती और उनके पूरे परिवार 2-3 दिन हो गए उनको कुछ खाने को नहीं मिला, कुछ नहीं मिला। वो अपने प्रभु को भी कुछ भोग लगा नहीं पाए। अब वो सोच में पड़ गए कि अब हम क्या करें। तो मोहंती जी के जो पत्नी थी उन्होंने बोला कि आपका कोई दोस्त रिश्तेदार कोई तो होगा जो हमको मदद करे, लेकिन उनका वैसे कोई दोस्त रिश्तेदार कोई भी नहीं था। फिर मोहंती जी को याद आया कि है ना मेरा सखा, वो तो जगतपति है, वो पूरे जगत का पालन करते हैं, तो वो मेरा पालन क्यों नहीं कर सकेंगे, इतना दिन तो उन्होंने ही पालन किया, तो अब मैं उन्हीं के पास जाऊँगा, चलो तुम लोग। ऐसा बोल के वो सभी लोग, पांचों लोग, मतलब वो अपनी स्त्री के साथ और अपने तीनों संतानों के साथ वो जगन्नाथपुरी की तरफ निकल। उनके शरीर में बिल्कुल ताकत नहीं है, लेकिन 155 किलोमीटर फिर भी वो चल पड़े। हिम्मत नहीं हारी, जगन्नाथ का नाम लेते हुए, जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बोलते हुए वो लोग फाइनली पहुँच गए जगन्नाथपुरी धाम। और वहाँ उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ लगा हुआ था, तो जब वो गए उस दिन उनको भीतर प्रवेश ही नहीं हुआ क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। उसके बाद मोहंती जी ने जगन्नाथ मंदिर का जो दक्षिण दिशा है सोचा कि उधर ही जाते हैं हम, वहाँ जाके हम आज का रात ऐसे ही गुजार लेते हैं, सुबह उठ के हमको कोई ना कोई मतलब प्रसाद हम पा लेंगे। उसके बाद वो अपने संतान और अपनी स्त्री को लेके दक्षिण द्वार में चले गए और वहाँ पे उन्होंने मतलब आराम किया थोड़ा सा। पर इधर उनके संतानों की दशा देखकर मोहंती जी को बहुत बुरा लग रहा था क्योंकि 2-3 दिनों से उन लोगों ने कुछ खाया नहीं और इतना दूर आए वो। तो फिर अभी मोहंती जी अंदर ही अंदर मन में ही जगन्नाथ जी को पुकार रहे कि मैंने तो बड़ी आस लगा कर मैं आया तुम्हारे पास क्योंकि तुम मेरे सखा हो, तुम मेरे दोस्त हो, पर तुम्हारे द्वार तक आकर भी मुझे ऐसा रहना पड़ रहा है, मतलब कि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। मेरे बारे में छोड़ो, लेकिन मेरे संतानों के बारे में, उनको तो कुछ अगर मिल जाता तो बहुत कृपा होती है। प्रभु आप कृपा करो मुझ पर, कुछ ना कुछ आप करो, कृपा करो,
ऐसे बोल ही रहे थे। तो तभी क्या हुआ, जगन्नाथ जी एक ब्राह्मण के वेश में आए और जगन्नाथ जी को जिस थाली में भोग लगाया जाता है वो स्वर्ण की थाली है, सोने का है। और उसी थाली में जगन्नाथ जी ने अपने ही थाली में जो महाभोग प्रसाद होते हैं ना, वो सुंदर तरीके से पूरे थाली में सजा के वो लेके आए मोहंती जी के पास और आके बोला कि मोहंती इधर आओ इधर आओ। तो उन्होंने सोचा कि यहाँ तो मुझे कोई जानता तक नहीं, तो कौन बुला रहा होगा मुझे, शायद मैंने गलत सुन लिया होगा। तो वो उठ के नहीं गए, फिर से पुकार आई कि मोहंती, अरे जाजपुर वाले मोहंती आओ, मैं तुमको ही बुला रहा हूँ। तो फिर वो उठे कि अरे चलो देखते हैं कौन बुला रहा है। तो वो गए, उसके बाद जो जगन्नाथ जी है ब्राह्मण वेश में, उन्होंने बोला कि ये लो भोग महाप्रसाद है, तुम सभी पा लो ये प्रसाद। तो ये पाकर तो मोहंती जी बहुत खुश हो गए कि जय जगन्नाथ, आपने मेरी बात सुन ली, चलिए ठीक है। लेकिन उनको पता नहीं चला कि ये ही स्वयं जगन्नाथ जी है ब्राह्मण के वेश में। उसके बाद उन्होंने वो प्रसाद, पूरे परिवार मिलके वो प्रसाद उन्होंने पाया। और फिर मोहंती जी ने सोचा कि ये जो थाली है ये तो स्वर्ण का है, तो ये तो मुझे रिटर्न कर देना चाहिए, लेकिन इतनी रात को अभी किसको रिटर्न करूँ, तो कल सुबह ये मैं लौटा दूंगा, ये सोचा उन्होंने। और फिर अपने पोटली में वो रख के वो लोग सो गए। फिर जब सुबह होते ही ना, मतलब सुबह होते ही, कम्प्लीटली सुबह हुआ भी नहीं, तभी मतलब जब वहाँ पे पुजारी लोग गए तो उनको पता चला कि जगन्नाथ जी का तो थाली गायब है वहाँ से। तो वो ढूंढने लग गए कि कहाँ गया वो स्वर्ण की थाली। तो सभी लोगों ने आकर पुरोहित पुजारी जो है उनको पकड़ा, क्योंकि जो गर्भगृह है वहाँ अंदर सिर्फ वही जा सकते हो, वही अलाउड है, बाकी कोई अलाउड नहीं है। तो किसी ने सोचा कि कोई ना कोई पुजारी ने ही शायद वो चुराया होगा। तो ऐसे ही करके जांच पड़ताल चली रही थी कि तभी वहाँ से कुछ लोग आए और उन्होंने आके बोला कि दक्षिण द्वार में एक पुजारी आए हुए हैं और उनके पोटली में मैंने थोड़ा सा चमकीला कुछ चीज़ देखा, शायद वहीं पे वो सोने का जो थाला है जगन्नाथ जी का वहीं पे है, उन्होंने ही चुराया होगा। तो फिर गए वो लोग सब, राजा भी आए हुए थे, और फिर उनको पकड़ लिया कि तुमने चोरी किया, ऐसा बोला। पर मोहंती जी ने बोला कि मैंने ये चोरी नहीं की, मुझे स्वयं एक पुरोहित आए थे, पुजारी आए थे रात, वो स्वयं उन्होंने मुझे दिया, लेकिन उनके बात पे किसी ने यकीन नहीं किया और उनको ही चोर ठहरा दिया और उनको फिर कारागार में डाल दिया। उसके बाद रात को स्वयं जगन्नाथ जी ने वहाँ के जो राजा है उनको स्वप्न दर्शन में बताया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे प्रिय सखा को, मेरे प्रिय भक्त को इतना कष्ट दिया, उसको मैंने स्वयं मेरे थाली में उसको मैंने प्रसाद पवाया, मैंने तुम्हारा थाली नहीं लाया, मैंने किसी और का नहीं लाया, मैंने खुद के थाली में उसको पवाया, तो तुम कौन होते हो उसको कारागार में डालने वाले, उसने चुराया नहीं था, मैंने ही ब्राह्मण वेश में जाकर उसको प्रसाद पवाया था, क्योंकि वो केवल और केवल मेरे भरोसे यहाँ पे आया है, वो मेरा परम मित्र है, तो तुम अभी जाओ और उसको कारागार से बाहर निकालो और उसको उतना ही सम्मान दो जितना सम्मान तुम लोग मुझे देते हो, मेरे सखा को भी तुम लोग उतना ही सम्मान दो, उनको कारागार से निकालो और उनको अच्छे से वस्त्र पहनाओ और अच्छे से उनको भी प्रसाद पवाओ और उनसे क्षमा मांगो। तो उसके बाद राजा गए और जाकर मोहंती जी को प्रणाम किया, उनसे क्षमा मांगी, कारागार से निकाला उनको और अच्छे से उनको नया वस्त्र भी दिलाया, अच्छे अच्छे भोग प्रसाद पवाया। और हाँ, और एक बात छूट गई, और जगन्नाथ जी ने ये भी बोला था उनके लिए एक महल भी बनवा दो, वो हमेशा के लिए अब से यहीं पे रहेंगे। तो फिर राजा ने मोहंती जी के लिए एक महल भी बनवा दिया और वहीं पे उनको हमेशा हमेशा के लिए रुकने के लिए अनुग्रह किया, उनसे माफ़ी मांगी। तो यही था मोहंती जी की प्यारी से लीला। तो यही है भक्त के विश्वास की एक लीला, हमारे करुणामय जगन्नाथ जी की एक प्यारी सी कथा। जगन्नाथ जी बहुत ज़्यादा करुणामय है क्योंकि उनका जो स्वरूप है, सबसे पहला रीज़न तो यह है उनका जो स्वरूप है वो हमारी किशोरी जी की महिमा सुनकर उनका ये स्वरूप हुआ है। आपको अगर नहीं पता ये स्टोरी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देखना कि स्वरूप कैसा हुआ उनका। और तो और उनकी जो आँखें हैं ना, आँखों के चारों तरफ आप देखना रेड है, तो इसका मतलब क्या है, करुणा का चिन्ह है ये, कि वो बहुत ज़्यादा करुणामय है, उनसे ज़्यादा मतलब करुणामय और कौन हो सकता है। क्योंकि देखिए, सबको दर्शन करने के लिए हमें मंदिर में जाना पड़ता है, लेकिन जो लोग उनका दर्शन नहीं कर पाते उनके लिए वो स्वयं मंदिर से बाहर निकलते हैं रथ यात्रा में, ताकि सभी भक्त, सभी लोग जो जो उनका दर्शन नहीं भी कर पाते हैं मंदिर जाके, वो भी उनका दर्शन कर पाए।
तो अभी चलिए डिस्कस करते हैं कि हमें क्यों उनका दर्शन करना चाहिए। वो तो करुणामय है, इसलिए निकल के आते हैं हमें दर्शन देने के लिए, लेकिन हमें क्यों दर्शन करना चाहिए, इसका मतलब है कि महत्व क्या है रथ यात्रा का, जगन्नाथ रथ यात्रा का महत्व के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं। स्कंद पुराण में उल्लेख है कि रथ में जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा उपविष्ट होते हैं, तब वो जो स्वरूप है रथ में उपविष्ट होते हुए भगवान के दर्शन जो जो करते हैं, उनको जन्म मृत्यु का जो साइकिल है 84 लाख योनियाँ होती है, सब में हम जन्म लेते हैं, फिर से हम मर जाते हैं, तो जन्म मृत्यु का जो ये साइकिल है, इससे हम मुक्ति मिल जाता है हमको, कि हमें और जन्म मृत्यु के साइकिल में फंसना नहीं होता है, अगर हम श्रद्धा मन से, भक्ति मन से, प्रेम से जगन्नाथ जी को रथ में बैठे हुए हम जब दर्शन करते हैं तब। उसके बाद नंबर 2 महत्व है कि भविष्य पुराण में उल्लेख है, श्री कृष्ण युधिष्ठिर संवाद में ये उल्लेख है, तो रथ यात्रा में जो 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 मतलब भाग लेते हैं, रथ के साथ साथ चलते हैं, रस्सी खींचते हैं, भगवान को खींच के मतलब जाते हैं, भगवान के साथ यात्रा करते हैं, वो अगर चांडाल भी हो ना तो भी वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ हो जाते हैं। और जो ब्राह्मण होते हैं मतलब वेद बहुत ज़्यादा वेद पर अध्ययन करते हैं, वैसा टाइप का शास्त्र अध्ययन बहुत ज़्यादा उनको पता है, वो ब्राह्मण होते हैं, लेकिन फिर भी वो रथ यात्रा में अंशग्रहण नहीं करते, रथ यात्रा में वो जाते नहीं है, भगवान के साथ साथ अनुगमन नहीं करते, तो वो चांडाल से भी निकृष्ट हो जाते हैं। तो ये उल्लेख है भविष्य पुराण। उसके बाद बहुत सारे पाप जैसे कि गोहत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, सूरापान, इन ये सब जो पाप होते हैं, महापाप होते हैं, तो इन महापापों से भी हम मुक्त हो जाते हैं जब हम रथ यात्रा में भाग लेते हैं, रथ यात्रा में भगवान के साथ साथ हम भी यात्रा करते हैं, तब ये सारे महापाप से हमें मुक्ति मिल जाती। उसके बाद है ये जो रथ यात्रा है, ये नारी जाति के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उनको तो भाग लेना ही चाहिए, क्योंकि इससे उनका खुद का तो उद्धार होता ही है, उसके साथ साथ उनके 3 कुलों का भी उद्धार हो जाता है, मतलब उनके मातृकुलों का, उनके पितृकुलों का और उनके पति कुलों का। जो भी नारी रथ यात्रा में भाग लेती है उनका खुद का उद्धार हो जाता है, उसके साथ 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 उनके मातृकुल का, पितृकुल का और उनका पति के कुल का भी उद्धार हो जाता है। इसके बाद है जो रथ की जो रस्सी होती है ना, उसको खींचकर हम जितने स्टेप्स, जितने पग आगे जाते हैं, यात्रा करते हैं, उतना ज़्यादा हमको यज्ञ का फल मिलता है। बहुत सारे यज्ञ होते हैं, तो वो सारा यज्ञ करे बिना ही, रथ में सिर्फ चल लेने से ही, रस्सी को खींचकर, उसी से हमें बहुत सारे यज्ञ का फल मिल जाता है। ये सब तो था कि फल क्या क्या मिलता है, क्या क्या होगा अगर हम जाए रथ यात्रा में, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात जो है ना, हमें प्रेम, भक्ति, श्रद्धा, ये अगर हमारे मन में है तो हमें किसी फल की मतलब कोई चिंता होगा ही नहीं। हम ऐसे भी जाएंगे, वैसे भी जाएंगे, प्रभु के लिए हम ज़रूर जाएंगे, क्योंकि हम उनसे प्रेम करते हैं। जब प्रेम होता है ना, तब वहाँ पे फल नहीं देखा जाता कि क्या फल मिलेगा मुझे, वहाँ मतलब कि मेरा क्या लाभ होगा, फल का मतलब क्या, एक टाइप का लाभ हो जाता है कि मुझे क्या मिलेगा वहाँ जाने से, है ना। पर जहाँ प्रेम होता है वहाँ ये सब देखा नहीं जाता, मुझे कुछ मिले ना मिले, चाहे मेरे साथ बुरा भी हो जाए, फिर भी मैं अपने प्रेमी को देखने ज़रूर जाऊंगा। तो ये भाव हर एक भक्त के मन में ज़रूर होना चाहिए। आशा करती हूँ आप भी इस साल के रथ यात्रा में ज़रूर भाग लोगे, हमारे जगन्नाथ बलदेव और सुभद्रा जी के दर्शन करके अपने मन को आनंदित ज़रूर करना। आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो एक शेयर ज़रूर से कर देना। हाँ, ये वीडियो मुझे और 2-3 दिन पहले अपलोड करना चाहिए था, लेकिन क्या बोले। चलिए फिर जल्दी मिलेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। श्री हरिवंश, श्री राधे राधे, चैंटिंग जरूर से करना।